नमस्कार दोस्तों, सीजी सरकारी जॉब यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के 3 जिलों में लगभग 160 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। तो इन पदों के लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से आप लोगों का चयन किया जाएगा, दोस्तों मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से जुड़ो में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला विज्ञापन जारी के काला कलेक्टर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत दोस्तों माइक्रो वाटर शेड में सचिव के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। दोस्तों आप लोग यहां पर परियोजना के अंतर्गत माइक्रो शेड वाटर क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम का नाम पढ़ सकते हो, जहां पर एक एक पदों पर भर्ती किया जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सचिव के पदों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है। तो न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, किसी मान्यता प्राप्त मंडल से 12वीं परीक्षा पास होना चाहिए। इसी के साथ माइक्रो वाटर शेड क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम या ग्राम पंचायत का निवासी हो और कंप्यूटर में अनुभव रखता हो। और फाइनली दोस्तों आप लोगों से कोई एग्जाम या परीक्षा नहीं लिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों का चयन किया जाएगा। आप लोग यहां पर डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वेतन के बारे में, आप लोगों को प्रतिमा वेतन कितना दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को 5,000 रुपये प्रतिमा वेतन दिया जाएगा। और जो भी इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु होना चाहिए 45 वर्ष। दूसरा विज्ञापन जारी किया गया छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के द्वारा, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ के जिला धमतरी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। एकीकृत बाल विकास परियोजना मगरलोड के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए दोस्तों आप लोग 18 जनवरी तक आवेदन कर सकते हो। परियोजना अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र केरलीबड़ी में कार्यकर्ता और खिसोरा में सहायिका के पद पर भर्ती किया जाएगा। कार्यकर्ता के लिए जो शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है 12वीं पास या फिर पुरानी पद्धति से 11वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और अगर विशेष पिछड़ी जनजाति अगर आवेदन करना चाहते हैं, जैसे कि कमार, अभूजमाड़िया, बैगा, पहाड़ी, कोरवा, बिरहोर, तो उनके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगा 10वीं पास रखा गया है। इसी तरह सहायिका पद के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है 8वीं पास मांगा गया है। और दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, जो भी इच्छुक आवेदिका आवेदन करना चाहते हैं इन पदों के लिए, वे उसी गाँव की आवेदिका होने चाहिए जिस गाँव के आंगनबाड़ी केंद्रों में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। और जो भी इच्छुक आवेदक आवेदन करना चाहते हैं, वे आवेदन पत्र को सीधे अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास परियोजना मगरलोड में जमा कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, जैसे कि आप लोगों को प्रतिमा कितना वेतन दिया जाएगा, आप लोगों को आवेदन पत्र कहां से प्राप्त होगा, तो आप लोग एकीकृत बाल विकास परियोजना मगरलोड में जाके वहाँ के अधिकारी से इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तीसरा विज्ञापन जारी किया जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र जिला कोंडागांव छत्तीसगढ़ के द्वारा, जिसके अंतर्गत 144 पदों पर भर्ती के लिए रोजगार मेला प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। और फाइनली दोस्तों आप लोगों से कोई एग्जाम या कोई परीक्षा नहीं लिया जाएगा, साक्षात्कार वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से सीधा भर्ती किया जाएगा। रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा 18 जनवरी 2023 को प्रातः 10:30 बजे लेके 3 बजे तक जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र लाइवलीहुड कॉलेज डोंगरी पारा कोंडागांव में आयोजित किया जाएगा। और दोस्तों आप लोग यहां पर नियोजक का नाम देख सकते हो जहां पर भर्ती किया जाना है, और इसी के बगल में पद का नाम दिया गया है कौन कौन सा पद पर भर्ती किया जाएगा। डेवलपमेंट रिक्रूटमेंट पर्सन के 10 पद पर भर्ती किया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए बी कॉम या एम कॉम। प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 15,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक। डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर के 6 पद पर भर्ती किया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता मांगा गया, ग्रेजुएशन पास मांगा गया है, स्नातक पास होना चाहिए। प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 15,000 रुपये से 20,000 रुपये तक। एंटरप्रेन्योरशिप रिक्रूटमेंट पर्सन के 6 पद पर भर्ती किया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए BBA या फिर MBA किया हुआ होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के 2 पद पर भर्ती किया जाएगा, शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, ग्रेजुएट स्नातक पास होना चाहिए। प्रतिमा वेतन दिया जाएगा 10,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक। इसी प्रकार मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के 40 पद पर भर्ती किया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, ग्रेजुएशन स्नातक पास होना चाहिए। हेल्थ सर्वेयर, फार्मिंग सर्वेयर, नेशनल हाईवे सर्वेयर और डिजिटल इंडिया मार्केटिंग के टोटल 20-20 पद पर भर्ती किया जाएगा। दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हो जो शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है इन पदों के लिए
स्नातक ग्रेजुएट पास मांगा गया है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अनुभव भी मांगा गया है, और जो आप लोगों का कार्यस्थल कहाँ पर है वो भी आप लोगों को यहाँ पर डिटेल से जानकारी दिया गया है। आप लोग यहाँ वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। और जो भी इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, वे शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, ये सभी दस्तावेज डॉक्यूमेंट को लेकर दिए गए समय और तिथि में उपस्थित हो जाना है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इन विज्ञापनों समेत और अधिक जानकारी चाहिए तो इन तीनों विज्ञापनों का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग वहां पर जाके डाउनलोड करके और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और इन विज्ञापनों संबंधित या फिर अन्य भर्तियों संबंधित दोस्तों अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।